दिल्ली एनसीआर में देर शाम अचानक तेज आंधी की वजह से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अलीपुर के कुशल का रहने वाला राकेश सैनी देर शाम को लिबासपुर से अपना काम करके घर लौट रहा था, तभी तेज आंधी की वजह से राकेश अलीपुर साई मंदिर के सामने एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। हालांकि राकेश हेलमेट पहने ही खड़ा हुआ था, लेकिन तभी पेड़ से बंधा हुआ एक खंभा लड़खड़ा कर राकेश के ऊपर गिर गया। कारण ये था कि तूफान आ रहा था, तूफान में रुकने के लिए वहाँ पे साइड में गाड़ी खड़ी, अपनी बाइक खड़ी करके खड़ा हो गया। बिजली का पोल जो सदियों से पुराना टूटा हुआ वहाँ पे खड़ा था और NDPL ने इस तार से बांधा हुआ था, इस PVC तार से। तार नहीं है सर, ये रस्सी है। रस्सी इस PVC रस्सी से बांधा हुआ था, जिसकी 1 mm से भी कम थिंकिंग है, 1 mm से भी कम थिंकिंग है, इससे उसको बांधा गया। उसके डायरेक्ट सिर पे आके गिरा। हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट बिल्कुल चकनाचूर हो गया, कंपनी का हेलमेट था। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि खंबे को रोकने के लिए किसी प्रकार के दूसरे तारों का भी सपोर्ट नहीं था और खंबा भी काफी कमजोर था। जहां आंधी की वजह से राकेश की मौत हुई, तो वहीं लोगों का भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुमताज खान के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, नवोदया टाइम्स, दिल्ली।